Hello, my lovely friends. How are you? I hope you all doing very good. Welcome back to my channel, Amanya. Friends, आज जो मैं review करने जा रही हूँ, वो है मेरे जितने भी आईशैडो पैलेट हैं, जो मुझे मिले हैं, पता नहीं कुछ इधर उधर होंगे, जितने मुझे दिखे हैं, मैंने नए भी लिए हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये जो आप मेरी लुक देख रहे हो, ये मैंने वीडियो शूट किया है, मेकअप ट्यूटोरियल लिख दिया है, एक सटल से नेचुरल मेकअप लुक का, वैलेंटाइंस डे का. तो प्लीज आप वो मेरा वीडियो भी जरूर देखिएगा. तो जरूरी नहीं कि ये वैलेंटाइंस डे को ही आपने मेकअप करना, आप कहीं भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, तो आप तब भी ये ऐसा ही ना सटल सा ब्यूटीफुल सा मेकअप आप क्रिएट कर सकते हो. तो मैंने कोई इसमें कंटूर वगैरह नहीं ज्यादा की, हार्श कहते हैं ना, कंटूर जो होती है आपके फेस को थोड़ा सा ना स्लिम ज्यादा बनाती है, तो वो मैंने लुक वगैरह तो इसमें क्रिएट नहीं की. तो आप मेरे प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है. वैलेंटाइंस डे का जो मैंने मेकअप ट्यूटोरियल बनाया, मेरे वीडियोस के बीच में ही लिंक होगा, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा हुआ. तो शुरू करते हैं. ये देखिए नेचुरल सा मेकअप है मेरा ना, खूबसूरत है ना. ये ट्यूटोरियल आप जरूर देखेगा गाइस, सटल सा ब्यूटीफुल सा मेकअप है, गर्ली लुक का मेकअप है, कोई भी यूज कर सकता है, एनी एज की फीमेल यूज कर सकती हैं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो भी ये मेकअप ट्यूटोरियल देख के मेकअप के स्किल्स अपने एनहांस कर सकती हैं, ठीक है. तो चलिए अब मैं हम आज शुरू करती हूँ. जो मेरे मैंने जितने भी पैलेट्स अब मैं यूज करती हूँ अपनी ट्यूटोरियल में, मैंने कुछ नए भी मंगाए हैं, तो मैं सब आपके साथ में शेयर करती हूँ. ब्लशर भी जो मैंने मंगवाए हैं, बाकी भी मेरा कुछ और भी कॉस्मेटिक का बहुत सारा सामान है, तो वो इधर उधर पड़ा है, तो वो भी कभी रिव्यू कर दूंगी. चलिए शुरू करते हैं गाइस. आज के जो पहला है, ये मैंने काफी टाइम से पहले मंगवाया था नायका से, निका के 9 परफेक्ट कलर का आई शेडो है गाइस. ये मेरे को 275 में नायका से मिला था, 275 रुपीज में गाइस. ये मैंने एक अपने वीडियो ट्यूटोरियल में भी डाला था, जो येलो सूट में मेरा था ना नेचुरल मेकअप लुक का, तो उसमें भी मैंने ट्यूटोरियल में ये यूज किया हुआ है. ये मेरे को कम से कम 5-6 महीने हो गए लिए हुए. तो ये देखिए, ये बड़े प्यारे से शिमरी से शेड है, बड़े प्यारे से शिमरी शेड है. इसको आप मतलब जैसे नीचे मैट आई शेडो लगा के ऊपर इनको आप लगा सकते हो मैच करके, और आप इनको एज ए हाइलाइटर भी अपने यूज कर सकते हो, जैसे ना इधर भी. तो जो लाइट से शेड है ना, जैसे ये वाला हो गया सिल्वर सा हो गया, और ये गोल्डन, ये आप हाइलाइटर एज ए यूज कर सकते हो. बाकी के बड़े प्रिटी से शेड्स हैं गाइस, जरूर यूज कीजिए, जरूर मंगवाइए नायका से. तो ये काफी मतलब की ना बिगनर्स अफोर्डेबल किट में भी आता है, 275 रुपीस का है, अच्छा ब्रांड है, निका के 9 पैलेट है, निका के 9. तो आपको मैं दिखाती हूँ ये इसके जो पिगमेंट है कैसा है गाइस. ये जो है ना शेड, मैंने ये देखिए, मैं इधर मैंने लगाया हुआ है, ट्यूटोरियल में आप देख लेना, ये वाला शेड मैंने इधर लगाया है अपने हाइलाइटिंग के लिए, ब्रो बोन पे भी लगाया ये वाला. और ये वाला जो पिंक है ना गाइस, ये मैंने आज के ट्यूटोरियल जो मैंने वैलेंटाइंस डे का डाला ना सटल मेकअप नेचुरल मेकअप में, तो उसमें मैंने ये वाला जो पिंक है ना गाइस, मैट आई शेडो लगा के ये वाला पिंक मैंने शिमरी ऊपर यूज किया है. अगर आपको दिख रहा है, आपको लाइट ना हो गया हो, क्योंकि मैंने वीडियो काफी टाइम पहले शूट किया था, उसके बाद में मैंने 2 वीडियो और शूट किए. तो ये देखिए, मैंने मैट आई शेडो लगा के इसके ऊपर ये वाला पिंक वाला अप्लाई किया था. मेरे ट्यूटोरियल में देख लेना, आपको पता चल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने मेकअप ट्यूटोरियल बनाया है वैलेंटाइंस डे का, उसमें मैंने दिखाया. ये देखिए, मैं आपको इनके ना जो शेड है ना दिखाती हूँ. इसमें ब्लैक है, गोल्डन है, लाइट सा कॉपर भी है, और इसमें ये मेटालिक शेड होता है ना डार्क कॉपर में, वो है. ये रस्टी सा शेड है, ये भी थोड़ा सा ना रोज गोल्ड शेड में आता है, ये वो वाला है, और ये ब्लैक में है गाइस. बहुत अच्छे शेड है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ में, मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हूँ इन कलर के साथ में, रियली. जितने कलर मेरे हाथ में आए मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, दिख रहा है, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, पता नहीं आपको पता लग. ये देखिए, तो गाइस ये देखिए, मैं अपने हाथ में दिखाती हूँ, ये ब्लैक, ये सिल्वर, ये रस्टी शेड, ये येलो शेड, और ये पिंक शेड है. ये मैं पिंक दोबारा ले लेती हूँ, ये देखिए पिंक शेड, ये निका के 9 पैलेट्स के हैं, शिमरी शेड है. शिमरी शेड
इसलिए अच्छे होते हैं कि आप इनको फंक्शंस पार्टी पे यूज कर सकते हो, डे टाइम में अगर आप यूज करते हो आप हल्का सा इसका टच दे सकते हो मैट आई शेडो के ऊपर। 275 रुपीज में ये बहुत अच्छा अफोर्डेबल है, बिगनर अफोर्डेबल किट में भी आप इसको रख सकते हो, कोई भी यूज कर सकता है। मैं तो खुद कर रही हूँ यार, मेरा इसके साथ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी यूज करती हूँ। गाइज अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी मेरी सेम नाम में आईडी है, मैं जेसिक मान्या, तो प्लीज वहां पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए। वहां पे मैंने काफी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी फोटोग्राफी डाली हुई है, जितने मेकअप मैंने किया अभी तक, कुछ दे देते हैं फोटोग्राफ्स क्लाइंट्स, कुछ नहीं देते, अपना अपना सबका मूड होता है। तो गाइस आगे जो मैं रिव्यू करने जा रही हूँ आई शेडो पैलेट वो है ब्यूटी ग्लेज का। ये गाइस मेरे को सीरियसली नहीं पता इसकी प्राइस क्या है ब्यूटी ग्लेज की, ये मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था, मेरे को चाहिए था काफी टाइम से, तो वो कह रही थी दीदी मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तो मेरे को याद भूल गया ये कितने का है ब्यूटी ग्लेज का, बट मैं ऐसा करूंगी बाद में उसको पूछ के इसकी जो प्राइस है ना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं इसकी प्राइस साथ में मेंशन कर दूंगी ब्यूटी ग्लेज की, ठीक है। तो एक्चुअली वो कार्ड पेमेंट कर लेती समटाइम, तो फिर वो कई बार कर लेती क्योंकि कार्ड पेमेंट में समटाइम ना गाइस वो मिल जाता है डिस्काउंट मिल जाता है, ये मैंने अमेजोन से ही लिया था। तो ये देखिए ये मैंने अपने कई ट्यूटोरियल में भी यूज कर चुकी हूँ गाइज, इसके शेड्स बहुत अच्छे हैं ब्यूटी ग्लेज के, बहुत प्यारे शेड हैं, मैट शेड में भी हैं, इसमें शिमर्स भी हैं। तो ये देखिए इसमें मैट शेड भी साथ साथ में है, ये सारे ब्राउन शेड में अर्थी ब्राउन और लाइट शेड्स हैं, अर्थी ब्राउन लाइट सभी कलर के शेड्स हैं। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं, आप देखिए ये एक तरह से आप समझ लीजिए एक तरह से आपके लिए फुली पैकेज है शिमर्स का और मैट कलर का, ठीक है गाइस। देखिए कितने प्यारे शेड्स हैं, ये है इसमें पीच भी है, ऑरेंज भी है, टॉर्क्योस शेड्स हैं, सी ग्रीन शेड है, ये शिमर में है, ये वाला ये मैंने एक इंस्टाग्राम पे फोटो डाली, वो मेरा एक बार मैंने ट्यूटोरियल किया था साड़ी में, वो मेरा ना वीडियो खराब हो गई थी तो मैं डाल नहीं पाई थी, तो उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख लेना साड़ी में होंगी। तो ये वाले शेड मैंने यूज करके एक ट्यूटोरियल बनाया था, वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, मेरा वीडियो खराब हो गया था, तो आप देख सकते हो उसमें जाके कि मैंने जो ये वाले पैलेट से बनाए थे, मेरा आई मेकअप आप वहाँ पे देख सकते हो, बहुत खूबसूरत आई मेकअप हुआ, मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, तो मैं फिर से वो ट्यूटोरियल बनाने का ट्राई करूंगी, ठीक है। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे शेड्स हैं, ये जो है ये शिमरी शेड है, इसमें कुछ मैट है, ये वाला मैट है, ये वाला मैट है, ये शिमर है, मतलब बीच में मैट और शिमर सभी का कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया हुआ है कि एक ही पैलेट में एक बंदे को खूब सारे पैलेट ना उठाने पड़े, एक ही पैलेट में सब कुछ मिल जाए, तो बड़ा ना क्या कहते हैं पॉकेट फ्रेंडली है ये। प्राइस भी इसकी ठीक थी तो मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए पीकॉक शेड है, ये रस्टी शेड है, मतलब इतने सारे शेड्स है ना मेरे को खुद को नाम ही नहीं याद आ रहे। ये लाइट सा जैसे होता है ना मस्टर्ड शेड है, ये शिमरी शेड है, ये कॉपर में लाइट सा है, ये जो है ये रस्ट कलर है जो मैंने ड्रेस डाली वैसा शेड है ये वाला, ये भी शिमरी है, ये मैट है, इसमें ब्लू शेड भी है, वाओ ये ब्लू शेड है ना जो फ्रेंड्स, ये ब्लू शेड में शिमर है, जी ऊपर वाले डार्क शेड है, ये जो डार्क शेड होते हैं ना ये आप जब क्रीज लाइन पे आप लगाते हो ना, इधर क्रीज लाइन होती है, क्रीज लाइन पे ये बहुत यूज होते हैं गाइस, ये जो अर्थी ब्राउन शेड्स होते हैं, ये देखिए ये जो पंजाबी में बोलते हैं ना फालसा कलर होता है ना पर्पल डार्क होता है, ये वो वाला है, येलो है, येलो में शिमर भी है, शिमर वाला येलो भी है, लाइट येलो, देखिए कितने सारे येलो शेड भी हैं, और ये वाला पिंक मैंने यूज किया था, मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया ना जिसमें हमने ट्रिपल शेड आई शेडो यूज किया गाइस, उसमें मैंने ये वाला आई शेडो लगाया था पिंक, जो मैंने ग्रीन और पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन किया था, उसमें जो पिंक कलर मैंने यूज किया था फ्रेंड्स वो ये वाला था, इतना प्यारा सा शेड है ना ये पिंक। तो ट्यूटोरियल मैंने जो बनाया था मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, मतलब ये वाले जो आई शेडो पैलेट को यूज करके, ब्यूटी ग्लेज का बहुत खूबसूरत सा पैलेट है, ये बिगनर्स आप भी ले सकते हो, आपको एक ही में कितने सारे शेड मिल जाएंगे यार, आपको तो लॉटरी लग जाएगी, मेरी तो लग चुकी है। तो ये था ब्यूटी ग्लेज का आई शेडो पैलेट, बहुत खूबसूरत सा, उसकी पैकेजिंग भी बहुत खूबसूरत है।
चलिए ये रखते हैं, ये अमेजोन से मैंने मंगवाया था, इसका प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। इधर रखूँ इसको, इधर पीछे रखूँ क्या, इधर पीछे रख लेती हूँ, चल जाएगा। तो आप इधर रखूँ, इतना मैंने ना टेबल पे वो खिलारा डाला हुआ है, इतना के ही ड्यूब्स हैं। ये मैंने गर्म जल वाली बोतल रखी थी पैरों में, काफी ठंड पड़ रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यारे प्यारे से शेड्स हैं, कितने प्यारे प्यारे से न्योन शेड भी हैं जो आजकल ट्रेंड में है। आप बड़े सोने बड़े खूबसूरत खूबसूरत से ना, सुंदर सुंदर से ना आई मेकअप्स आप ट्राई कर सकते हो। तो मैट शेड्स हैं, ये देखिए जैसे ये येलो मैट है, ये बेबी पीच कलर है, बेबी पिंक होता पीच में, पीच शेड है, मैट है, ये रेड शेड भी, ओह माय गॉड बहुत ब्यूटीफुल है। ये ना रेड वाला मैंने ग्लिटर आई मेकअप किया था ना, ग्लिटर रेड कट क्रीज, उसमें मैंने ये रेड वाला यूज किया था, बड़ा प्रीटी सा शेड है इसका, इतना अच्छा पिगमेंट है ना यार, मैं क्या बताऊँ। ट्यूटोरियल में आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा, जो रेड ग्लिटर है इसका मैंने आई मेकअप ट्यूटोरियल किया था। तो इसमें मैट शेड्स हैं, ये भी मैट है, ब्राउन है, मैरून है, पिंक है, डार्क पिंक में जंटा रानी शेड, और गाइस इसमें शिमर शेड भी है, जैसे ये वाला शिमर है, ठीक है, ये वाला शिमर है, हाइलाइटर यूज करते ये वाले तीनों शिमर है, ये वाला शिमर है, ये भी ग्रीन शिमरी है, ये जो ग्रीन है ये स्पार्कल है, प्रेस्ड ग्लिटर, प्रेस्ड ग्लिटर, ठीक है, ये भी प्रेस्ड ग्लिटर है, ये भी प्रेस्ड ग्लिटर है, ये भी प्रेस्ड ग्लिटर है, ये भी प्रेस ग्लिटर है, ये भी ग्लिटर्स हैं, ये भी ग्लिटर्स हैं, ये भी ग्लिटर्स हैं, ये भी ग्लिटर्स हैं, ये ग्लिटर मैंने आई ट्यूटोरियल जो ट्रिपल शेड का किया था उसमें मैंने ये यूज किया था, आप देख लेना। तो इतने सारे इसमें बताऊं कितने होंगे इसमें ग्लिटर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होंगे अगर मेरे को गलती लगती हो, आप देख लो। और यार इतने ग्लिटर से एक पैलेट में मिल रहे हैं यार, कितना अच्छा आई मेकअप आप तो कर सकते हो यार, बॉम्ब आई मेकअप होगा आप लोगों का तो है। और शिमर्स भी हैं और मैट शेड भी हैं, मैट शेड भी इतने सारे हैं, ऐसे अफार का आप अमेजोन से भी देख लीजिए अगर आपको नीड्स कॉस्मेटिक, अगर इंस्टाग्राम पे नहीं एक्चुअली मिल तो मेरे को अच्छा गया, बट यार एक्चुअली सच्ची बताऊं मेरे को एक महीने के बाद में रिसीव हुए, वो भी मैसेज कर करके। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी अगर आपको, आप मीशो पे सर्च कर लीजिए ऐसे अफार का, या फिर अमेजोन से ही मंगवा लीजिए, अमेजोन से आपको शायद हफ्ते में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अफार का है लव विद हेट, तो इसके मैं आपको पिगमेंट्स दिखाती हूँ, इसके पिगमेंट्स ऐसे मैं आपको ग्लिटर्स भी दिखाती हूँ इसके, इसमें आपको मैं दिखाती हूँ, ये मैरून शेड है वाइन, गाइस इनके ना जो शेड है पिगमेंट बहुत हाई है, ये येलो शेड भी आपको दिखाई देती हूँ, आजकल येलो बहुत ट्रेंड में है ना, आप एक्साइटेड हो गए देखने को, शिमर भी साथ में दिखा देती हूँ, मुझे शिमर शेड ले लेती हूँ। तो एक मैं इसमें ये वाला ग्रीन मैं दिखा देती हूँ शिमर, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये शिमर ग्रीन है, ये वाइन शेड है मैट है, ये येलो शेड है, येलो शेड थोड़ा सा लाइट पिगमेंट है, अगर आप फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर लगाओगे ना गाइस ये बहुत अच्छा आएगा, ट्रस्ट मी फाउंडेशन के ऊपर शेड बहुत अच्छे आते हैं। तो ये शिमर है गाइस, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए ये मैट है SFR का, ये शिमरी है, ये भी मैट है येलो, और ये भी ऊपर वाला शिमरी है। अब मैं आपको प्रेस्ड ग्लिटर दिखाती हूँ, प्रेस्ड ग्लिटर एक्चुअली हाथों से क्लीन कर लूं, अब मैं आपको प्रेस्ड ग्लिटर दिखाती हूँ, प्रेस्ड ग्लिटर जो होते हैं आप यूज कर सकते हो टू वे जेल के साथ में, इसके ऊपर मैं येलो के ऊपर प्रेस्ड ग्लिटर दिखाती हूँ, ये मैंने कॉपर शेड का लिया उसमें, अब मैं लेती हूँ इसमें गोल्डन शेड का है एक प्रेस्ड ग्लिटर, ये मैट वाइन के ऊपर लगा के दिखाती हूँ क्योंकि ये ऐसे दिखेगा नहीं आपको, ये गोल्डन वाला है, अब मैं ग्रीन वाला दिखा देती हूँ आपको क्योंकि थोड़ा
डिफरेंट शेड भी दिखाना चाहिए ना, है ना। ये देखिए ये प्रेस्ड ग्लिटर ग्रीन, ओह वाओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल यार। आप जब टू वे जेल के साथ में लगाओगे ना तो आराम से आप लगाना इसको, क्योंकि जो भी प्रेस्ड ग्लिटर होते हैं उनको बड़ा आराम से बहुत केयरफुली लगाना पड़ता है। और मैं आपको एक डार्क पर्पल है यार, मेरे को बड़ा अच्छा एक डार्क पर्पल लग रहा है प्रेस्ट ग्लिटर, मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत आपका आई मेकअप होने वाला है यार, ये देखिए। और इसमें एक मेरा दिल कर रहा कि सारे के सारे ग्लिटर ना आपको लगा के इधर दिखा दूँ। एक रोल ब्लू भी है, खूबसूरत ग्लिटर्स भी हैं इसमें। ग्लिटर्स जो है ये आप जो नाइट में आप जा रहे हो पार्टी फंक्शन पे तो ये तब आपको काफी अच्छी लुक देते हैं आई मेकअप में। और साथ में आप अगर चाहो तो ग्लिटर्स के साथ में भी आप ब्रो बोन पे या किधर भी कुछ भी अच्छे क्या कहते हैं ना आई मेकअप कर सकते हो। आप हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो, अगर एक ही पैलेट में मैट है, शिमर है, ग्लिटर्स है तो आपको इतने सारे आई शेडो पैलेट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही आपको एनफ रहेगा। तो गाइज मैं अब नेक्स्ट रिव्यू करती हूँ जो मेरे आयशा जो पैलेट है मेरे, ये तो बहुत गिर रहे हैं क्योंकि रुखे हैं ना, मैं क्लीन करके आपको वापस आती हूँ। ये वाले ग्लिटर क्लीन कर लीजिए तो सारे के सारे उड़ गए रंग बिरंगे ना आज मेरे हाथ हो चुके हैं सच्ची में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने, ये भी मैंने SFR नीड्स कॉस्मेटिक्स इंस्टाग्राम पे पेज है, मैं कट्ठे मंगाए थे। मैंने SFR का जो मैंने अभी रिव्यू किया वो वाला और ये वाले तीन मुझे मिले थे हुडा ब्यूटी के, ये भी ड्यूक्स हैं, अमेजिंग है गाइस अमेजिंग। जैसे कि ना क्या कौन से वाले थे मैंने नायका पे देखे थे, निका के है ना न्यू आई शेडो पैलेट, निका के ये सेम उनको मार देते हैं निका के। तो इनका भी मैं रिव्यू करती हूँ, ये देखिए इसमें बहुत प्रिटी प्रिटी से प्यारे शेड्स हैं। ये मैट है, ये शिमरी है, ये आपको ये अच्छा है कि अगर आपको एक ही आई शेडो पैलेट मतलब कि अपनी क्या कहते हैं मेकअप किट में कहीं लेके जाना है, आप ज्यादा नहीं जाना चाहते तो ये वाले आपके काम आएंगे, क्योंकि हर आई शेडो पैलेट में अलग अलग शेड्स हैं शिमर के साथ में मैट में। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है इसके, ठीक है। ये नियोन है ये पिंक वाला भी नियोन है, इसमें बहुत अच्छे पर्पल शेड है और ये वाला शिमर शेड है, ये हाइलाइटर के साथ आप यूज कर सकते हो। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल शेड्स हैं, ये देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में दिखा देती हूँ। ये देखिए ये दोनों मैट हैं और ये वाला जो है शिमरी है, इसमें से मैंने लिए हैं निकाली हुडा ब्यूटी के न्यून। ये वाला ग्रीन है, ये देखिए कितना खूबसूरत है आई शेडो पैलेट, ये पहले वाले मैं रिमूव कर लेती हूँ आपको दिखाती हूँ। इसमें यार ये जो लेमन शेड है ना, ओ माय गॉड कितना ट्रेंड है ना आजकल, इसमें ट्यूटोरियल बड़े बन रहे हैं ना लेमन शेड का जो है ना, अरे लाइट को प्रॉब्लम हो जाता है सॉरी। तो ये वाले देखिए, इसमें ये वाला दिखाती हूँ, ये ले लिया, ये देखिए लेमन शेड कितना अच्छा, ठीक है। इसमें एक ब्लैक कलर भी है, ये शिमर में है, ये देखिए सो ब्यूटीफुल गाइस सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो इसमें मैं एक और रिव्यू करती हूँ, ये शिमर है, इसमें ग्लिटर्स नहीं है शिमर है, देखिए कितना ब्यूटीफुल पैलेट यार। न्यून शेड का इतना ट्रेंड है यार, बाय कर लो है आराम से, ट्यूटोरियल देख के अच्छे अच्छे आई मेकअप आप करो, इंजॉय करो, कितना अच्छा लगता ना हर ड्रेस के साथ में आप अलग अलग आई मेकअप करो यार, बहुत ब्यूटीफुल। तो ये थे मेरे सारे के सारे आई शेडो पैलेट, और भी हैं तो मैं वो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आपको रिव्यू करूंगी। गाइज अगर आपको जो मेरा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए,
लाइक बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। मेरे को अच्छा लगता है जब आप कुछ सवाल पूछते हो आप वीडियो के रिगार्डिंग, है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है। कमेंट कीजिए और शायद और मेरी जो वीडियो है इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनको भी हेल्प मिलेगी। तो मेरे चैनल को प्लीज प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे और भी जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है गाइस, वैसे आज मैं बहुत थक गई हूँ, माय गॉड, मैंने 3 वीडियो शूट किए हैं आज, ऊपर से ठंड इतनी पड़ रही है, भगवान बचा लेना, बीमार ना हो जाऊं। तो ये वाला जो मैंने आज आई मेकअप किया था, इसका ट्यूटोरियल भी है वैलेंटाइंस डे के मेकअप का, सटल सा ब्यूटीफुल सा मैंने आई मेकअप किया है, ये वाले ही मैंने सारे यूज किए हैं, आई शेडो पैलेट वगैरह, तो आप भी देख लेना। ठीक है गाइस, मैं आप लिंक में डाल दूंगी,